वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का दर्शकों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है वेदो अखिलो धर्म मूलम वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना तथा आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का आर्यों का परम कर्तव्य है हम कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं और ऋग्वेद के आठवें मंडल के इकसठवें सूक्त का स्वाध्याय जिसमें बहुत सुंदर सुंदर वेद मंत्रों का उपदेश हमको दिया गया है कि हमारा सात्विक अन्न हो सात्विक बुद्धि से आएगी हम निरंतरता से जीवन को जिए और प्रभु की भक्ति के साथ जिए ऐश्वर्य से यश से विराट से सूक्ष्म अर्थ ग्राहिणी बुद्धि से अपने जीवन को जिए तो निसंदेह यह हमारा जीवन अत्यंत कल्याणकारी हो जाएगा हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें इसके विषय में अनेक यहाँ पर विध मंत्र दिए गए हैं और ग्यारहवें मंत्र में बहुत सुंदर बात कही है जिसको हम आज स्वाध्याय में पढ़ेंगे समझेंगे कि निष्पाप उदार ज्ञानी उपासक जो उपासक होगा निसंदेह ज्ञान से आपूरित होगा निष्पाप होगा बिना उपासना के ये विकार हमारे संस्कार में आ जाते हैं सुसंस्कार के स्थान पर हम कुसंस्कार से युक्त हो जाते हैं यदि अपने को निष्पाप बनाना है पुण्यों से युक्त पापों से मुक्त यदि जीवन अपना करना है तो इसके लिए उपासना प्रभु की भक्ति और उसकी आज्ञा के अनुसार अर्थात वेदों के जो संकेत हैं जो उपदेश हमको दिया गया है जो विधि निषेध है उसको आत्मसात करके उसको जान करके मान करके उसको जी करके ही हम इस सुंदर सुव्यवस्थित अनुशासित मर्यादित जीवन को जी सकते हैं तो बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है प्रथम वेद मंत्र लिखता हूँ आपके समक्ष फिर चर्चा करूंगा ओम न पापाशो ना पापासो, मना मही नारायसू नारायासो न ना हवा जल हद्विंद्रम यद्बि वृषणम सचा सुते सचासुते चाते सखायां वामहि சக்காயம் கிர்ந்தவாமை ऋग्वेद के आठवें मंडल का इकसठवां सूक्त है यह जिसका यह ग्यारहवा मंत्र है ओ ना पापा सो मनामहे न नलवहा यदिन्नंद्रम विष्णम सचा सुते सखाए किणवामहि ओ ना पापा मनामहे नारायसो न जलवहा यदिन्द्रम विष्णम सचा सुते सखाए बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है जो हमारे संपूर्ण जीवन को दिव्यता से भरने का संदेश देता है निष्पाप बनने का सामर्थ्य देगा कहा कि पापाशह पाप वृत्ति वाले होकर हम न मना महे उस प्रभु का उपासन नहीं करते बिल्कुल बात स्पष्ट है कि जिसके मन में पाप होगा जिसके संस्कार होंगे जिसके जीवन में स्वभाव में इस भौतिक चका के प्रति अति आकर्षण होता है जो केवल अपनी इंद्रियों की पिपासा में लगा होता है जो भोग वृत्ति वाला है व्यक्ति जो इस संसार में फंसा हुआ है वह पाप कमाता है वह निष्पाप नहीं हो सकता क्योंकि उसकी जो अविवेकपूर्ण इच्छाएं हैं जो क्षणिक सुख का आकर्षण उसको अपनी ओर खींचता है उससे व्यक्ति लोभ वृत्ति में काम वृत्ति में भोग वृत्ति में पाप वृत्ति में फसा होता है और ये जो पाप वृत्ति में फंसा व्यक्ति है जो काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष में फंसा है उससे उपासना हो ही नहीं सकती या तो उपासना रहेगी या तो वासना रहेगी दोनों साथ साथ नहीं रह सकते हैं जैसे सूर्य है दीपक है तो वहां पर अंधकार का कोई प्रश्न ही नहीं है जब व्यक्ति सच्चा ईश्वर का उपासक होता है तो उस समय वासना उसके अंदर होती नहीं है। कुछ लोग जो उपासक या साधक के नाम पर दूसरों को ठगते हैं वो तो अलग बात है जो लोग ऐसा आडम या ढोंग करते हैं या जो है आ, बनावटी स्वभाव रखते हैं जो यहाँ सचरित्रता की बात है जो पवित्रता की बात है जो शुचिता की बात है वहां पर यह बात कही कि जो पापाशाह जो पाप वृत्ति वाले लोग हैं पाप वृत्ति वाले होकर के हम ना मना महे हम उस प्रभु का उपासन नहीं करते आरासाह ना जो अपानशील होकर के जो बनकर के भी हम प्रभु का स्तवन नहीं कर सकते अर्थात हम योग अध्यात्म के बिना कैसे उसकी भक्ति करेंगे ना ही जल मूर्ख बनकर के हम उस प्रभु की उपासना कर सकते हैं प्रभु का भजन करते हैं निष्पाप उदार दान शील व ज्ञानी बनकर के यद जब इतनु निश्चय से उस वृषणम सुख वर्षक इंद्रम परमेश्वर जो परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर है इंद्र है उस प्रभु को उपासित करते हैं तो सुते इस उत्पन्न जगत में उस इंद्र को सचा सदा साथ रहने वाला सखायम मित्र किण महाई उसको हम मित्र करते हैं हम यदि प्रभु का संभाजन करते हैं प्रभु के आ, आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं और अपने आप को मूर्खता से ऊपर उठा करके जानी बन करके के विद्वान बन करके के यदि हम उसकी भक्ति करते हैं और संसार में भी आसक्ति रहित तो होकर के सेवा करते हैं माता पिता गुरु आचार्य भाई बहन बेटा बेटी पति पत्नी गुरु शिष्य नेता राजा प्रजा या जो कुछ भी इस संसार का कार्य है जो सेवा है जो संबंध है उसमें निर्लेप भाव से यदि हम बरतते हैं निर्लेप भाव से अपने जीवन को जीते हैं यही सब हमारे ऋषियों ने किया सभी महापुरुषों ने किया सभी हमारे जो है धीर वीर गंभीर विद्वानों ने किया है कि सारे प्रपंच में अपने आप को पूर्ण शांत पूर्ण प्रपंच में पूर्ण क्रियाशीलता में भी बाहर से पूर्ण क्रियाशील और अंदर से पूर्ण शांत पूर्ण एकाग्र होकर के अपने साधना को जो साधक साधते हैं वे साधक सदा उन्नति पाते हैं वही साधक निष्पाप हो पाते हैं वो अपनी कुटिलता से अपनी संकीर्णता से अपनी कृतघ्नता से अर्थात जो समष्टि के प्रति है उस परम पिता परमेश्वर के प्रति है गुरुओं के प्रति है उनकी आज्ञा के विरुद्ध जो आचरण नहीं करते हैं जो विरुद्ध आचरण करेंगे तो पापी बनेंगे और जो उनके अनुकूल उनका प्रियाचरण करते हैं उनकी आज्ञा के अनुसार जीवन को जीते हैं वो निष्पाप बनते हैं क्योंकि प्रभु की आज्ञा से हम इस संसार का ठीक ठीक उपयोग कर पाते हैं इसका उपभोग कर पाते हैं हम एक दूसरे को भोग की वस्तु नहीं अपितु तो योगमय अर्थात समर्पण त्याग तपस्या परस्परता से तत्परता से समरसता से युक्त होकर के जीवन को जी पाते हैं ये सारा संसार इसी बात पर जो है आ, खड़ा हुआ है या त्याग के स्तंभ से इतना विराट ये यज्ञ चल रहा है संसार का क्योंकि सब एक दूसरे के प्रति जो त्याग की भावना रखते हैं जो उदार भावना रखते हैं हम माता पिता गुरु आचार्य के सन्निधि में रहते हैं तो भी त्याग में उनका कितना जीवन होता है हमारे लिए वो कितना त्याग करते हैं तो ये सारा संसार जो चल रहा है ये हमारे त्याग से ही दिव्य भव्य बन सकता है और हमारा जीवन निष्पाप बन सकता है पाप कब आता है जब हमको लोभ होता है हमको लालच होती है कि नहीं यह वस्तु मेरे पास होनी चाहिए यह व्यक्ति तो मेरी बात माने ये मेरी बात नहीं मानता है क्यों नहीं मानता है मानना चाहिए मानना पड़ेगा और वो नहीं मानता तो दुखी होगा नहीं मानेगा तो उसको दंड देगा और गलत उसके साथ व्यवहार करेगा तो वह व्यक्ति फिर पाप को प्राप्त हो जाता है हम लोभ की वृत्ति में किसी वस्तु या किसी धन की प्राप्ति चाहते हैं नहीं मिलता तो उसके लिए छल कपट करते हैं उसके लिए फिर हम अनेक प्रकार के कुचक्र रचते हैं उसके लिए हम आ, अपने लोगों को भी आ, पीड़ित करते हैं हिंसित करते हैं यहाँ तक कि आ, संपत्ति के लिए धन दौलत के लिए लोगों की हत्याएं लोग कर देते हैं अपने सगे लोगों की हत्याएँ कर देते हैं क्यों क्योंकि वो इस संसार के भोग को सबसे बड़ा मानते हैं संसार के धन दौलत को सबसे बड़ा मानते हैं जबकि यह पूरा सत्य नहीं है यह संसार का कुछ भी सामान कुछ भी हम ले नहीं जा सकते हैं कितना बड़ा अरमान हो लेकिन सब शमशान में नष्ट हो जाएगा हम अपने जीवन और जगत का जो उद्धार करने वाला है जो जान है जान से ही हम महान बनते हैं इसलिए इस वेद मंत्र में कहा कि वास्तव में वह मूर्ख बन कर के नहीं प्रभु का सुमिरण कर सकता है वह बिना योग किए प्रभु का सुमिरण नहीं कर सकता है उसके लिए उसको जानी बनना उसको तपस्वी बनना उसको अपने से बड़ों का सम्मान करना और निष्पाप होने से हम अपनी साधना को ठीक ठीक साध पाएंगे इसलिए हम कभी भी इस तथ्य सत्य से विपरीत आचरण ना करें कि हमारा यह जीवन उस प्रभु का वरदान है और उसके वरदान से हम अपने जीवन को उन्नत बनाएं न कि पापी बनाएं हम पापी यदि अपने आप को बनाते हैं तो कभी भी उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं जो ऐसा विचार लेता है ऐसा जो कर लेता है तो वह तर जाता है नहीं तो दूसरों को भी जो है आ, मारने का ही काम करते हैं जो लोग पाप से युक्त होते हैं अपने आ, और पराए का उनको जान नहीं हो पाता उनको ध्यान नहीं हो पाता है पवित्रता से युक्त हम रहें और पाप से बचे, अलग अलग संदर्भ में बात कही है आ, पाप के विषय में शास्त्रों में कहा है यो न पापा नी चिंतयत्यात्मनो यथा तस्य पापा गमस्तात हेत्वाभावान विद्यते जो दूसरे के पापों को अपने पापों की तरह नहीं समझता है हेतात कारणाभाव के कारण पाप उससे दूर नहीं होते हैं कभी कभी हम दूसरों के द्वारा जो कार्य होता है उससे भी हमको शिक्षा लेनी चाहिए जिससे हम पाप से बचे बहुत सुंदर बात कही है यहाँ पर कि जो व्यक्ति दूसरों के पाप को अपने समान नहीं समझता है अर्थात वह व्यक्ति पाप कर रहा है और वही यदि मैं करूंगा तो मैं भी पापी हो जाऊंगा यदि वह व्यक्ति नशा करता है और उसकी क्या दुर्गति है यदि उसको वो समझ करके अपने ऊपर अप्लाई करता है कि नहीं ऐसा मुझको नहीं होना है मुझको इस दुर्गति को नहीं देखना है और नहीं देखना चाहता है इसलिए वो कभी जीवन में नशा नहीं करेगा कभी मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करेगा तो बिना किए ही वह जो है अपने आप को बचा लिया नहीं तो जो ठोकर खा करके गिर करके जो है लुट करके सुधरते हैं तो तब तक तो बड़ी देर हो जाती है तो ज्ञान हमको देख करके भी आता है दूसरों के व्यवहारों से भी हमको सीखना चाहिए कि यह व्यक्ति ऐसा है इसका ये पाप है ये पुण्य है इसका जीवन कैसा है तो ऐसे हम समझ लें कि हमको जैसे कोई व्यक्ति अग्नि में हाथ डालता है और उसका हाथ जल गया तो अब यह कोई ना कहे कि नहीं मैं जब तक हाथ नहीं डालूंगा तब तक मानूंगा नहीं जब तक मैं चोरी नहीं करूंगा तब तक मानूंगा नहीं मैं जब तक दूसरों की हिंसा नहीं करूंगा जब तक मैं नशा नहीं करूंगा तब तक मैं मानूंगा नहीं तो ये जो बातें हैं ये अल्पजता की है इसलिए कहा न जल हवा जो मूर्ख लोग हैं जो अज्ञानी हैं जो सदा नादानी में रहते हैं जो मनमानी करते हैं वे कभी भी ईश्वर की उपासना नहीं करते और वो पापी बन जाते हैं निष्पाप होने के लिए हमको दूसरों से भी सीखना चाहिए कि यह जीवन जो जी रहा है इसकी ये दुर्गति है इससे हमको बचना है तो ऐसा कार्य नहीं करना और बहुत सुंदर बात कही वाल्मीकि रामायण में काये न कुरुते पापम मनसा संप्रधारे चातम जिहवाचा त्रिविधम कर्म पातकम बहुत सुंदर बात कही कि पाप कोई समझता नहीं कि पाप है क्या पाप कैसे होते हैं तो वाल्मीकि रामायण में बहुत सुंदर बात कही दी कि मन से पाप करने का सोचना विचारना और शरीर से पाप करना एवं चिहवा से असत्य भाषण करना ये तीन प्रकार के जो है पाप कर्म है मन से अपने गलत विचार नहीं करना गलत व्यवहार नहीं करना लोग बोलते नहीं हैं करते नहीं हैं लेकिन मन ही मन यदि किसी पाप से लिप्त हैं किसी अधर्म से लिप्त हैं किसी अकरणीय या ये कह लें कि जो कल्याणकारी नहीं है यदि ऐसे कार्य से वो लिप्त हैं तो कभी भी कल्याण नहीं हो सकता है व्यक्ति का कभी उन्नति प्राप्त नहीं कर सकता है इसलिए हम इस बात को समझ लें कि हमको कैसे जीवन जीना है इसका निर्णय स्वयं करना पड़ेगा इसका निर्णय करेंगे तभी कार्य की सिद्धि होगी और मन से पूर्ण हम पवित्रता से युक्त होंगे मन वचन और कर्म से पूर्ण पवित्र हो जाए मन से कभी पाप की प्रवृत्ति ना हो किसी जो है अनाधिकार हम चेष्टा ना करें किसी वस्तु किसी व्यक्ति किसी स्थान को अधिग्रहण करने का या उसको जबरदस्ती अपना बना लेने का दुस्साहस ना करें इसी प्रकार से हम शरीर से भी किसी का अहित ना करें गलत ना करें मन से वाणी से किसी को गलत बोले नहीं असत्य बोले नहीं तो ये हमारा सुंदर जीवन होगा और बहुत सुंदर बात कही है पद्म पुराण में भी स्वलपम अप्यर्जित पापम व्रजतुपचय परम निमग्नो ये न संसारे चिरम दुखे न कहा कि थोड़ा सा कमाया हुआ पाप भी बहुत अधिक बढ़ जाता है और क्या करें इसमें क्या है? थोड़ा सा खा लिया थोड़ा सा पी लिया थोड़ा सा झूठ बोल दिया तो क्या हो गया थोड़ा सा चोरी कर ली तो क्या इसमें बिगड़ गया ये थोड़ा थोड़ा पाप ये थोड़ा थोड़ा जहर ये स्वीट पॉइजन हमारे जीवन और जगत के लिए अत्यंत अकल्याणकारी है ये बहुत खतरनाक है ये हमारे लिए बहुत ही दुर्दशा को लाने वाला है इससे इसलिए कहा कि थोड़ा सा भी कमाया हुआ पाप अधिक बढ़ जाता है और जिस जिससे संसार में डूबा हुआ पापी बहुत समय तक दुख में जलता रहता है एक पुण्य करेंगे तो हजारों उससे आपको लाभ मिलेंगे और एक पाप करेंगे तो उससे हजारों आपकी हानियां होंगी आपको निर्णय करना पड़ेगा आपको यह समझना पड़ेगा कि वास्तव में हमको करना क्या है पाप के रास्ते पर चलना है या पुण्य के रास्ते पर चलना है निर्णायक स्थिति में आपको आना पड़ेगा निर्णय करना पड़ेगा स्वच्छंदता नहीं चलेगी अपने जीवन को हम पुण्य से युक्त करें पुण्य से युक्त करना है तो शास्त्रों की वेदों की गुरुओं की माता पिता की बात का जरूर हमको पालन करना चाहिए और फलम दुखम तद भोक्तव्यम आत्मना मना आत्मा वघातार्थम मूढ़ा पापम करिष्यति तो ये जीवन हम पाप से बचाएं अपना कल्याण इसी में है और भी आगे चर्चा करेंगे यहीं पर अभी विराम लेते हैं ओम शांति शांति शांति